औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज मैं आप दोस्तों के सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको बता रहा हूँ, आखिर तक प्लीज़ वीडियो देखिएगा। बेशक आप लाइक करें या ना करें, इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका इसको में बहुत बड़ा एक फ़ायदा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने प्याज ब्राउन कर दिया है। इसमें एक चम्मच में डेढ़ चम्मच मिर्ची डाली है, एक चम्मच नमक डाला है, आधी चम्मच हल्दी डाली है। ठीक है, और ये लहसुन अब ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। ठीक है, टमाटर डाल दिए हैं। ठीक है, अभी इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं आपके सामने, आप गौर से देखिएगा। ठीक है, ये हम जा रहे हैं दाल जो है ना, दाल मसूर पकाने। तो इसका आपको मैं फ़ायदे बताऊंगा, इसके बहुत फ़ायदे हैं। सबसे तो पहला फ़ायदा इसका ये है कि जो भी बंदा ये दाल को अगर 40 दिन लगातार इस्तेमाल करेगा, तो ख़ास करके छोटे काद वालों के लिए, तो इंशाल्लाह उसके काद में 6 इंची का इजाफा होगा अगर लगातार 40 दिन ये खाने में इस्तेमाल करें। दोपहर में, सुबह या शाम किसी भी टाइम इस्तेमाल कर ले, तो इंशाल्लाह उसका काद जो है ना 6 इंच तक वादा कर देगा। ठीक है, दूसरा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये सबसे जल्दी पकने वाली दाल है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 मिनट में जो है ना ये मुकम्मल तैयार हो जाती है। 15 मिनट से ज़्यादा ये टाइम नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जाना 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, और इसको खानों में मन सलवा भी कहा जाता है, यानी मन सलवा के नाम से इस दाल को ज़्यादातर पुकारा जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा और मशहूर किस्म का ये खाना है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर इसको खाने में बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ताकतवर चीज़ है। देखें ना कि अगर आप इसको 40 दिन लगातार इस्तेमाल करें, तो आपके काद में जो है ना 6 इंची का इजाफा होता है। ठीक है, ख़ास करके ये उन लोगों के लिए है जिनके काद छोटे हैं, प्लीज़ वो इसको लगातार इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा इतनी महंगी भी नहीं है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा इसके सामने आएगा। ये मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने उबाल के रख दिया है। ये आपको जो नज़र आ रही है, ये दाल जो है ना मशहूर है। देखें, ये लाल किस्म की होती है, और उबालने के बाद इसका रंग कैसा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो से देखिएगा वीडियो कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो शुरू में से जो मैंने में दुरूद पाक पढ़ा, कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ी बरकत पैदा होती है। ठीक है, तो वैसे भी वो शफा बन जाती है। ठीक है, ठीक है, अभी आप गौर कीजिएगा बस। ठीक है, एंड में मैं आपको इसकी एक ऐसी बात बताऊंगा जो पहले आपको कभी भी किसी ने नहीं बताई होगी। एंड तक आप वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह एंड में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आप पहले कभी भी किसी ने नहीं देखी होगी। हाँ, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो साथ साथ दुरूद शरीफ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह मुबारक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। ठीक है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह का आकाश का 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, 10 गुना आपके माफ होंगे। ठीक है, कोशिश किया करें कि दुनियावी कामों के साथ साथ दुरूद पाक का जिक्र जारी रखा करें, इसमें बहुत शफात और बरकत मिलती है। कोई भी आप काम करें, उससे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पाक पढ़ लिया करें, दुरूद पाक पढ़ लिया करें,
ठीक है। दुरूद पाक में जो है बड़ी शफात और बरकत होती है, ठीक है। ये देखें अभी अब कैसा हो गया, ये नरम काफ़ी हद तक जो है ना टमाटर जो है ना सेट होने शुरू हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा एक आध मिनट लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ बस ये आ जाओ जमील भाई, आ जाओ, ये हमारे जमील भाई भी साथ आ गए हैं, ठीक है। ये भी आपको इस दाल के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, ठीक है। बस चाव सुन सकते हैं ऐसी बस, ये भी जो धनिया भी किनी छो, धनिया किनी छो, मर्चा किनी छो, वो कपया आया हाँ सब कुछ लिया, अच्छा जी बाबा जी मीर साहब, ये तैयार हो गया है। अच्छा जी मीर साहब तुसों को लोग पूछना सी जरा के मन सलवा खाना जी उसने बारे तुसों को गाइड करो ना। अच्छा हां मैं उसने बारे तुसों को जानो गाइड करो ना तुसों को रखना। अच्छा ये जमील साहब आपको मन सलवा खाने के बारे में बताएंगे, माशाल्लाह ये कुरान हाफिज़ भी हैं तो ये आपको इस बारे में मुकम्मल गाइड करेंगे जी। जमील साहब यार उसके बारे में ज़्यादा मालूम तो नहीं है, बहरहाल पहले आसमान तो पारे जाने से मन सलवा ठीक ना बने बनाया खाना, तो फिर असं लोग नखरे कर लग गए ना, ठीक है ना, जब नखरे कर लग गए तो फिर अल्लाह पाक में गुस्सा आया वो सा मन सलवा बंद हो गया, इसलिए हम असी रिस्क तो तंग हाँ, ठीक ना, हर बंदा परेशान है। अच्छा जरा मन सलवा खाना वो ये ही उतरिया सी ना दाल मसूर जी, दाल मसूर वो ये भी होता सी बटेर 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 हाँ ते दाल मसूर दो है ठीक ठीक। ये आपने सुन लिया कि मन सलवा के बारे में, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।